फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट बर्ड। बरसात के दिन चल रहे हैं तो कुछ चटपटा खाने का मन होता है, तो आज मैं आपके लिए ये चटपटी कुरकुरे लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मजेदार होता है। इसकी देखिए कितना क्रिस्पी है कि ये मुंह में पानी आ जाएगा आप सबके। तो चलते बनाते चटपटी। बनाने के लिए सबसे पहले हमें सूजी चाहिए। ये महीन दाने वाली सूजी है मेरी। अगर आपकी मोटे दाने की हो तो आप इसको एक बार मिक्सी में मिक्स कर सकते हैं, पीस सकते हैं। ये चार मीडियम साइज के आलू हैं। हमारा ये फ्रेंकी मसाला है। इसकी वीडियो मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भेज दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। मेरा नमक और ये चाट मसाला। तो चलते बनाते हैं। पहले हम जितना हमारी सूजी होगी उतने कप हमें एक कटोरी हमें पानी लिया है उसको हम अच्छे से उबाल देंगे। एक उबाल आने तक हम इसको, अब देखिए उबाल आ गया, अब हम बंद कर देंगे और इसमें हम सूजी भिगो देंगे। अब हम इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। इसमें हम बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे जिससे कि हमारा ये बैटर पतला हो जाए। ये थोड़ा थिक होना चाहिए, बस ये भीगना चाहिए, इतना हमें पानी डालना है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के, हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने सूजी रखी थी, अब हम सूजी को अच्छे से मैश कर देंगे जिससे कि इसमें जो लम्स पड़े हैं वो ठीक हो जाए। अब हम आलू में ये हमने जो सूजी भिगोई थी इसको हम पूरा डाल दिया है। नमक 1 चम्मच, आप चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, बाकी हम बाद में डालेंगे। तो हम 1/2 चम्मच के करीब हमने चाट मसाला डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करें। एक डो की तरह इसको तैयार हमने कर लिया है। अब हम हाथ में हम ऑयल लेंगे और छोटे छोटे इसके बॉल्स लेके हम लंबे लंबे इसको करेंगे। ये देखिए ये हमारा ऐसे आएगा और हमारा ये उंगलियों के शेप का इसमें देखिए आएगा, जैसे ओरिजिनल कुरकुरे होते हैं हमारे बाजार के, ये वैसा लुक आता है। अब हम छोटी छोटी ही पेड़ी लेंगे और इसको हम अच्छे से करेंगे। ये देखिए हमारा एक बैच इसका तैयार हो गया है। ये ध्यान रखिएगा कि आपस में चिपके नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा और चिपक के खराब हो जाएगा। और हम इसको घी में भी तलेंगे तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे कि आपस में चिपक ना जाए। मसाला हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। अगर आपको फ्रेंकी मसाला नहीं डालना है तो उसकी जगह आप लाल मिर्च पाउडर और सिर्फ चाट मसाला भी डाल के कर सकते हैं। और इसको गरम गरम ही मिक्स करेंगे जिससे कि इसके में सारे में मिल जाए। अब इसको आप मीठी चटनी और हरी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और हमारा तैयार है ये चटपटा कुरकुरे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।